हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान भगवान को भोग लगाने का रिवाज है, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान को भूल से भी लगाते समय यह गलती नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए पूजन पाठ आदि में भगवान को भोग का नियम है। भगवान को भोग उनका प्रिय होना चाहिए और सात्विक भोग भगवान को ग्रहण करवाना चाहिए। यदि हम ईश्वर को या देवता को उनके अनुरूप उनके मनोमांछित नैवेद्य का यदि हम भोग लगा देते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और नैवेद्य लगाने के बाद अधिक समय तक ना भगवान के सामने उसे रखे रहना चाहिए और ना ही जल्दी उठाना चाहिए। भगवान भोग आराम से पाले 5 अथवा 7-10 मिनट, इतने समय से अधिक भगवान के आगे भोग रखा रहना नहीं चाहिए। यदि इससे अधिक समय भगवान के आगे भोग रखा जाता है तो उसमें चांडाल आदि का प्रवेश हो जाता है। नकारात्मक का भोग भगवान के लिए इतनी ही देर उनके सम्मुख होना चाहिए जितनी देर में भगवान नैवेद्य आरोग ले। भगवान के आगे पर्दे का प्रयोग करना चाहिए। जब भगवान नैवेद्य लगावे उस समय भगवान के आगे उनका जो पर्दा है वो लगा देना चाहिए और थाली को ढाक देना चाहिए, जिससे भगवान प्रेम से भोग अरोग रहे हैं इतना जान करके जब वो भोग अरोग लें तो वो भोग वहाँ से हटाना चाहिए। और भक्तों में प्रसाद वितरण करना चाहिए, स्वयं भी प्रसाद लेना चाहिए। यदि हम घर में भोजन का भोग लगा रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि सात्विक भोग भगवान को लगे और हमारे घर में परिवार में सात्विक ऊर्जा का प्रवेश हो। इसलिए भगवान को हमेशा स्वच्छ और सुंदर भोग लगाना चाहिए। भगवान को पीतल तांबा स्टील में नहीं लगाना चाहिए, पीतल और तांबे में ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। स्वर्ण और चांदी में पहले भगवान को भोग लगाया जाता था और अब जो है स्टील और लोहे का प्रयोग होता है जो कि उचित नहीं है। प्लास्टिक में कभी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। एक बार पत्तल की जो पत्तों से बनी पत्तल है उसमें आप भोग लगा सकते हैं, छबड़ी में भोग लगा सकते हैं और अपने घर की जो व्यवस्था उत्तम से उत्तम है उसमें भगवान को भोग आरोगाना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, इन मंत्रों का प्रयोग भगवान को भोग लगाते समय करना चाहिए। जिस